नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका कंप्यूटर ट्यूटर रितेश कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्न विद रितेश। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने एक नई पहल शुरू की है। हम कंप्यूटर के माध्यम से कई तरह के वीडियोज और कंप्यूटर कोर्स आसानी से कर सकते हैं। जिन दोस्तों को इंस्टीट्यूट में ये सुविधाएं नहीं मिलती होंगी, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। इससे आप सभी लाभान्वित होंगे, ऐसी हमारी आशा और अपेक्षा है। तो दोस्तों, आज मैं एमएस वर्ड के बारे में बात करने जा रहा हूं। मैं एमएस वर्ड के 2007 वर्जन पे आज आपको होम मेनू के बारे में बताऊंगा, होम मेनू का यूज कैसे करें और इनके सभी ब्लॉक्स जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग ऑप्शन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यूज जो करेंगे वो क्लिपबोर्ड, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों के साथ कुछ जानकारी शेयर करना चाहते हैं। जैसे जो लोग अभी नए हैं, उनके लिए मैं बता दूं, ये सबसे ऊपर में जो आपको दिख रहा है लर्न विथ रितेश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये इसको टाइटल बार कहा जाता है। इसे मिनिमाइज बटन, इसे रीस्टोर विंडो डाउन और ये क्लोज बटन। यहां से हम ऑफिस बटन का यूज करते हैं। ऑफिस बटन में हम न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश और क्लोज जैसे ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए मित्रों, इसके बाद हम अगले सेक्शन पे चलते हैं। होम, इंसर्ट, ये सब मेनू बार है और उसके नीचे जो ऑप्शन है ये सब टूल्स बार है। और उसके नीचे आप आते हैं तो आपको मोर कमांड में कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है। इस पे वैसे आइकॉन जिनका आपको हमेशा और ज्यादा यूज है उसे आप रख सकते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं क्लिपबोर्ड का यूज कैसे करेंगे। मित्रों, अभी देख रहे हैं कि अभी ये ऑप्शन जो है डिजेबल है, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर सिर्फ ओपन है। तो जैसे हम क्या करेंगे, हम यहां पर यूज करते हैं, हम कुछ लिखते हैं, हम लिखते हैं बिहार इज ए ग्रेट स्टेट। ऐसे ही मैंने इस सेंटेंस को लिखा और मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करते ही अगर मैंने इस सेंटेंस को मैंने सिलेक्ट किया और इसे कट कर दिया। कट करने के बाद हम चाहेंगे तो दूसरी कहीं भी एंटर करके दूसरी जगह पे उसी ऑप्शन को पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है तो कट में क्या होगा कि यहां से जो मेरा सेंटेंस लिखा हुआ था, जो ये लाइन कट गया और दूसरी जगह पे पेस्ट हो गया। इसके बाद अगला ऑप्शन है कॉपी, मैं इसे नकल कर लूंगा और दूसरी जगह पेस्ट कर दूंगा। अगला ऑप्शन है फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन के माध्यम से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे जाएंगे और इसे हम कलर, अंडरलाइन, इस तरह के ऑप्शंस का यूज आसानी से कर सकते हैं। तो ये अभी आपने सीखा कि आप क्लिपबोर्ड ऑप्शन में कैसे इन टूल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कट से हम एक जगह से कोई भी डॉक्यूमेंट को, कोई भी टेक्स्ट को कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी, दूसरी जगह नकल करके रख सकते हैं। पेस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर के माध्यम से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है फॉन्ट। फॉन्ट में हम क्या करेंगे, हम जैसे मैंने जो कुछ भी लिखा है उसे हम सिलेक्ट कर लिए, मैंने सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद आप देखिएगा ये जो लिखावट है इसका जो लिखावट है वो हम अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। जैसा यूज करेंगे, जैसे एरियल ब्लैक मैंने यूज किया, एरियल ब्लैक हो गया।
बोल्ड करना चाहेंगे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना चाहेंगे इटैलिक कर सकते हैं, इटैलिक से हल्का सा जो लाइन है इटैलिकाइज हो जाएगा, और अंडरलाइन कर सकते हैं। यहां से अंडरलाइन में अगर हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो कई तरह के और भी ऑप्शन आते हैं, और उसमें कलर भी आते हैं। अंडरलाइन को हम कलर, सिर्फ उस लाइनिंग को हम किसी दूसरे कलर में कर सकते हैं। यहां से हम साइज बढ़ा सकते हैं मित्रों, यहां से भी हम साइज बढ़ा सकते हैं और साइज को छोटा कर सकते हैं। इसके माध्यम से ये जो क्लियर फॉर्मेटिंग है, जितना भी है मैंने कुछ भी उसमें किया है अपने टेक्स्ट पे, ये हम हटा सकते हैं और दूसरी जगह पहले सिचुएशन में, जैसे पहले हमारा था वैसे सिचुएशन में आ सकते हैं। देखिए तो ये तभी काम करेगा जब हम इस पे कुछ डिजाइन वगैरह कर चुके हैं। अगर मैंने कुछ नहीं किया है तो ये कार्य नहीं करेगा। मैं इसका फिर से मैं इसको बड़ा कर देता हूं, और इस ऑप्शन के माध्यम से इसका बैकग्राउंड में आप कोई हाईलाइट कर सकते हैं टेक्स्ट को, बैकग्राउंड पे ये कलर आ जाएगा। इसके माध्यम से आप टेक्स्ट हाईलाइट आसानी से कर सकते हैं, और इसके माध्यम से आप सेलेक्ट करके आप टेक्स्ट को, टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं आसानी से। इससे आप लोअर केस, अगर सारा आप चाहते हैं कि लोअर केस में हो जाए तो लोअर केस में हो जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि अपर केस में हो जाए तो अपर केस में सारा ऑप्शन हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाए यानी कि हर वर्ड बड़ा हो जाए, हर कैरेक्टर, हर वर्ड का हर कैरेक्टर बड़ा हो जाए तो आप यहां से यूज कर सकते हैं, टोंगल केस यानी कि आपका हर वर्ड का पहला कैरेक्टर जो होगा वो छोटा रहेगा बाकी सारा बड़ा रहेगा। मुख्यतः हम अपर केस में कर लेते हैं। उसके बाद ऑप्शन जो है वो ये आपका स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू के माध्यम से आपके सेंटेंस को एक बीच से लाइन गुजरती है, ये एक ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। और इसके बाद हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। इसका यूज हम करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि हम एक्स स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो एक्स प्रेस करेंगे, मैं इसको हटा देता हूं, एक्स प्रेस करेंगे और उसके बाद स्क्वायर लिखना है तो ये सब सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे और टू प्रेस करेंगे, फिर स्पेस प्रेस करेंगे, और अगर हमें सबस्क्रिप्ट करना है तो एक्स लिखेंगे और सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करके टू प्रेस करेंगे तो ये डाउन में टू जाएगा। तो अभी आपने फॉन्ट ब्लॉक का यूज देखा, फॉन्ट ब्लॉक का यूज हम कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हम अगले सेक्शन में चलते हैं। अगले सेक्शन में हमारा है पैराग्राफ मेनू, पैराग्राफ के माध्यम से हम सीखेंगे ये लेफ्ट सेंटर, जो भी मैंने सेलेक्ट किया है लेफ्ट सेंटर और राइट, और ये पैराग्राफ इसका यूज हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ लिखा, राम मोहन राजीव रंजन लर्न विथ रितेश, मैंने कुछ वर्ड लिखा, उसको लिखने के बाद अगर हम चाहते हैं कि सब पे नंबरिंग आ जाए तो ऐसा हम देखिए कोई सा भी एक बुलेट सेट कर सकते हैं, जिस भी ऑप्शन पे हम यूज करेंगे उस पे बुलेट सेट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 1 2 3 चाहते हैं 1 2 3 सेट हो जाएगा, और अगर हम लेफ्ट और ये डिक्रीज और इंक्रीज ऑप्शन का इंडेंट का यूज करना चाहें तो आसानी से देखिए इंडेंट से उधर जाएगा और डिक्रीज से इधर ऑप्शंस अपने आप हो जाएंगे। उसके बाद ऑप्शन है जो हम इस पूरे एरिया को हम अगर चाहें किसी कलर में बदलना तो आसानी से बदल सकते हैं, और यहां से हम टेबल भी लिखने के बाद, टेक्स्ट लिखने के बाद बॉर्डर भी ला सकते हैं। इसके बाद मित्रों ये पैराग्राफ मेनू है जिसका यूज काफी कम होता है। इसके बाद मैं एक और चीज बता दूंगा, इसके बाद ये जो है मेरे वीडियो का जो टाइम है खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने डी लिखा और यहाँ पर प्रेस करने के बाद, ई प्रेस करने के बाद हमें टैब लेना होगा, तब भी इससे संबंधित मेनू आएगा और फिर हमें शिफ्ट और टैब का यूज करेंगे तो अगले ऑप्शन में जा सकते हैं आसानी से। ओके।